नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। बिना कोई वक्त गवाए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम एक बताएंगे कि हम एक स्विच से सॉकेट को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सिंपल स्विच और एक सिंपल सॉकेट, चाहे वो 6 एम्पियर हो या 16 एम्पियर हो, उसको आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉकेट पे एक एन लिखा होता है, एक लिखा होता है एल, और एल और एन को ही हम बेस बना के हमारा प्रोजेक्ट आगे चलेगा। जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ होती है। हम क्या करेंगे, जो एल है उसको स्विच से जोड़ेंगे और जो अपना एन है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा और जो लाइन है, फेस है, वो जाएगा स्विच के थ्रू। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, एक वायर लेते हैं। हम लेते हैं ब्लैक एंड रेड वायर, मोस्टली ये बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम ब्लैक को न्यूट्रल मानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे हम लेते हैं तो और कोई समझ जाता है कि ये ब्लैक वाला न्यूट्रल ही होगा। प्लायर की सहायता से इसे काटेंगे, काटेंगे मतलब कि छीलेंगे, इंसुलेशन इसका हटाएंगे दोस्तों, काटना नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से इसको घुमा के अच्छी ग्रिप बनाएंगे। हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा फेस आ रहा है, फेज ही आना चाहिए। इसको स्विच के अंदर सबसे पहले हम लगा देंगे प्लस वाला वायर, रेड कलर का। रेड कलर का वायर लगाने से एक ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार हम लंबा वायर छील देते हैं और वो टर्मिनल के आर पार से निकल जाता है, उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, स्विच जल्दी ख़राब होता है। तो हम उतना ही वायर को छीलेंगे जितना उस स्क्रू टर्मिनल के बाहर ना आए, सिर्फ अंदर ही रहे। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सिंपल है, ये कनेक्शन लगभग हो चुका है। हमारा फेज भी जुड़ चुका है और न्यूट्रल भी जुड़ चुका है। अगर आपके पास अर्थिंग है तो बहुत बढ़िया है, आप अर्थिंग में ग्रीन वायर जोड़ सकते हैं, ये स्टैंडर्ड कलर कोड है। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ग्रीन वायर भी है, और उससे पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ कि हमारे पहले सर्किट कंप्लीट करेंगे हम। या फेज में से हम जो स्विच का दूसरा टर्मिनल था वहाँ पे एक जम्पर वायर लेंगे और वो जम्पर लगाएंगे सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पे, जिस पे लिखा रहेगा एल। दोस्तों कभी आप स्विच कभी सॉकेट में समझ में नहीं आता है किधर लगाना है, तो आप ये देख लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए पहले कि उस पे सॉकेट पे सब कुछ लिखा होता है, अगर आप उसकी कोडिंग समझ पाएंगे तो। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारा स्विच कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा ऊपर की तरफ मोटा वाला जो होता है उसमें हम लगाएंगे अर्थिंग। अर्थिंग वायर वैसे तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब आप घर में अर्थिंग ना हो तो आप ना ही लगाएं तो बढ़िया है। और अगर आप में अर्थिंग नहीं है तो आप करवा लें तो वो और भी बढ़िया है, क्योंकि अर्थिंग काफी कई बार हमारी जान भी बचा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग काफी समझ गए होंगे आसानी से, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, एक बार इसको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ जिससे कोई परेशानी ना हो। जैसे स्विच ऑन होगा यहाँ से सप्लाई सॉकेट में आएगी, और जब स्विच ऑफ होगा तो नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं लेता हूँ एक स्विच जो दो टर्मिनल का स्विच है, जिसमें तीन टर्मिनल टर्मिनल होते हैं दोस्तों, वो टू वे स्विच होता है। जब दो स्विचों से एक लाइट को ऑपरेट करते हैं, टू वे स्विच लेते हैं। हमारे पास ये सिंगल स्विच है तो इसमें सिर्फ दो टर्मिनल आएंगे और इसको वन वे स्विच बोलते हैं। ये मैं बनाता हूँ एक सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, जिसमें 3 पिन टॉप लग सकता है। आजकल 6 पिन भी सॉकेट आ रहे हैं, जिसके अंदर छोटा 6 एम्पीयर भी लग जाता है, 16 एम्पीयर भी लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, जो एल और एन मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ये जरूरी नहीं कि इसी तरफ हो, वैसे होता तो इस तरफ ही है,
अगर स्विच उसके बाईं उल्टी तरफ लग जाता है तो इस पे जम्पर हम वायर हमको उसको एन को क्रॉस करके लगाना पड़ता है। ये देखिए मैं दो वायर लेता हूँ, ये ब्लैक हो गया, ये जाएगा एन पोल में, और ये रेड वायर है। ये स्विच अगर अब इसको हम डायरेक्ट अगर एल पे लगा देते हैं तो ये हमारा स्विच कुछ काम नहीं करेगा, ना तो ऑन होगा ना ऑफ होगा, इसलिए हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए पहले हम लगाएंगे स्विच के अंदर। ये ग्रीन वायर लग चुकी है, इसको अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्विच डायरेक्ट करना है तो आप स्विच में ना लगा के रेड वायर सीधे एल सॉकेट में लगा दें ताकि उससे वो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत रिस्की होता है दोस्तों, स्विच ऑफ नहीं हो पाता। तो देखिए मैंने पहले स्विच में लगाया, स्विच के बाद में जम्पर वायर लेके एल पे लगाया। दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे यूट्यूब चैनल का एक छोटा सा वीडियो देखा। ये एल मेरा अर्थिंग लाइन हो गई और ये ब्लैक हो गया न्यूट्रल। ओके दोस्तों आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद।